नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोई भी आम आदमी इस बात को आसानी से समझ सकता है कि ईंधन के भाव बढ़ने की सीधी मार देश के किसानों पर, उद्योगों पर और हर नागरिक के दैनिक जीवन पर पड़ी है। आज जब देश कोविड-19 के संक्रमण की आपदा से गुजर रहा है तो देश के नागरिकों को सरकार से मदद की दरकार रहती है, लेकिन मोदी जी तो आपदा को भी सरकार के लिए अवसर में बदलने की बात बोलकर देश के नागरिकों की ही हलाकान करने में लगे हैं। विश्व बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी देश के नागरिकों को इसका लाभ ना देकर भाजपा की सरकार बड़े उद्योगपतियों को राहत देने में लगी है। पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स भारत में लिया जा रहा है। क्रूड ऑयल के रेट 2014 में $100 से भी अधिक थे, आज मात्र $40 हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मोदी सरकार ने जनता को नहीं दिया। वर्ष 2014 में पेट्रोल पर 9.48 रुपए का टैक्स था और डीजल पर 3.56 रुपए, जो आज बढ़कर पेट्रोल में 32.98 रुपए और डीजल पर 31.83 रुपए हो गया है। किराया हो, रेलवे का भाड़ा हो, भी वस्तुओं के दाम सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता। विपक्ष में रह के मोदी जी ने जब तेल की कीमतें बढ़ी थी 50 रुपए, तो बड़ा हो हल्ला मचाया था और सत्ता में आते ऐसा वो अल्लाह बचाया था कि वो तेल की कीमतें घटाएंगे, लेकिन वो भी बेनामी साबित हुई। 2014 में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल थे और तब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत कम थी, लेकिन आज कच्चे तेल के दाम $40 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल की कीमत 90 रुपये, डीजल की कीमत 82 रुपये, मध्यम वर्गीय लोग पेट्रोल डीजल भराने की स्थिति में नहीं है। हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। जो इस समय तेल के दाम बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हुई। देश के जो सरकारी उपक्रम अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते थे उन्हें बेचा जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे अन्य बड़े बड़े नवरत्नों में से हमारे उपक्रम हो, उनको जहां इंदिरा गांधी जी ने इस देश में मालगुजारी प्रथा खत्म की थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, हमारे जनता के हित में सार्वजनिक हित के उपक्रम स्थापित किए थे, वहाँ पर आज प्राइवेटीकरण की ओर मोदी सरकार जा रही है, जिसके कारण आम जनता की जेब से इस सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पेट्रोल और डीजल के नाम पर आम जनता से जेब से पैसा निकालने का यह बहुत बड़ा कारण पेट्रोल डीजल आम जनता से वसूला जा रहा है। आज पूरा देश कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से टूट चुका है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2 करोड़ रोजगार छीन गए और विगत मोदी जी की सरकार में 6-7 सालों में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही हमें अवगत हुआ है, समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अवगत हुआ है। पिछले दिनों आपने ही रिपोर्ट पेश की थी कि विगत 7 वर्षों में केंद्र सरकार का देश का सांख्यिकी आंकड़ा ये बोलता है कि जितनी 40 सालों में बेरोजगारी नहीं हुई, उतनी 6-7 साल में मोदी जी के राज में बेरोजगारी इस देश में और इस प्रदेश में पनपी है। ऐसे हालात में जब हमारा जो जमा पूंजी थी मध्यम वर्ग की, जो परिवार को गरीब मध्यम वर्ग पालन पोषण का जो पैसा था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। सारी घोषणाएं मोदी जी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जुमला साबित हो रही है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर हमारे आम आदमी को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आर्थिक नीति में पूरी तरह विफल सरकार इसी तरह से आशा रखना बेमानी हो गई। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, नहीं होता है ऐसे समय में मुझे 7,000 8,000
स्पेशल गाड़ी करके मरीजों को पहुंचाने का काम किया है। तो ये शिवराज सिंह की सरकार निरंकुश हो चुकी है, मानवीय मूल्य भूल चुकी है, ये गुड़ी बैगी सरकार बन चुकी है। आज आपने देखा होगा कि धार जिले में एक पिता अपने बेटे की परीक्षा दिलाने के लिए 150 किलोमीटर साइकिल से निकला, 3 दिन का राशन लेके निकला और उसको परीक्षा देने के लिए धार लाया। तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जब से प्रदेश में शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, अलग अलग तरीके से लेन देन से इन्होंने सत्ता तो पाली, लेकिन 4 महीनों में मध्य प्रदेश में सुसाइडल केस बढ़ गए, आत्महत्याओं के प्रकरण बढ़ गए। जो नौकरियां गई है वो अपनी किस्त, लेटों की किस्त नहीं जमा कर पा रहे, ईएमआई नहीं जमा कर पा रहे, जिसके कारण आपने देखा होगा कि आत्महत्याओं के प्रकरण 4 महीने में सुसाइडल केस मध्य प्रदेश में बढ़ चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हुई जिले में, जिसके कारण जिला प्रशासन और सरकारी तंत्र निरंकुश हो चुका है। 4 महीनों में डेवलपमेंट रुक चुका है, कोई विकास कार्य नहीं होगा, केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान उपचुनाव में है 27 सीटों पर, इसके अलावा पूरा मध्य प्रदेश बेहाल है। तो ऐसी विषम परिस्थितियां मध्य प्रदेश में पैदा हो चुकी है। मैं आज पिछले एक सप्ताह पूर्व बसों के संचालन के लिए राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने सागर में बैठक ली थी बस मालिकों की, और वहाँ बुलाया था। बस मालिकों में बड़ा उत्साह था, भरोसा था कि परिवहन मंत्री कोई निर्णय लेंगे उनके हित में। 4 महीने से बसों के चक्के जाम हैं, किस्त ड्यू है, बीमा की किस्त ड्यू है, टैक्स ड्यू है, और उम्मीद थी कि परिवहन मंत्री निर्णय लेंगे, लेकिन परिवहन मंत्री कांग्रेस के राज में बड़ी बयानबाजी करते थे, गोविंद राजपूत बड़बोलापन करते थे, लेकिन आज उनकी बोलती बंद हो गई है। और वहाँ जब बस मालिक गए तो उनको निराश होकर लौटना पड़ा, उनसे कोई निर्णय नहीं लिया और ये बोल दिया कि मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा। तो ये लोग निराश होकर आए। तो ऐसी परिस्थितियों में आज हालात खराब है, डीजल पेट्रोल के दाम चरम सीमा पर है। जो डीजल पेट्रोल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर टैक्स डीजल पेट्रोल पर लगाया जा रहा है तो भारत पे लगाया है। हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका, चाहे पाकिस्तान, यहाँ पर हमारे देश से डीजल पेट्रोल जाता है और वहाँ सस्ते रेट में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। आप हमारे पड़ोसी राज्य को देखिए, मध्य प्रदेश को छोड़कर यूपी में आप दतिया जाइए, दतिया वाले लोग 10-12 किलोमीटर झांसी की सीमा में जाकर डीजल पेट्रोल भराते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई है महंगाई। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.